हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी फॉर नेट हम कर रहे हैं अपना टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड और उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्वयं चलिए देखते हैं कि क्या है स्वयं सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है स्वयं इज अ हिंदी एक्रोनिम दैट स्टैंड फॉर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स ये है इसकी फुल फॉर्म स्टडी वैब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंडस अभी है क्या स्वयं इज एन इंडियन मैसि ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स क्या है मतलब उसमें हमें ऑनलाइन कोर्सेज मिल सकते हैं तो वही क्या है उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने एक और कोर्स स्टार्ट किया है वो है स्वयं स्वयं में भी हमें ऑनलाइन कोर्सेस देखने को मिलते हैं स्वयं इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिजिटल इंडिया टू गिव अ कोऑर्डिनेटेड स्टेज एंड फ्री एंट्री टू वेब कोर्सेज कवरिंग ऑल एडवांस्ड एजुकेशन हाई स्कूल एंड स्किल सेक्टर कोर्सेज इसमें क्या है कि किसने लॉन्च किया था इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों किया था ताकि एक कोर्डिनेटेड स्टेज मिल सके यहाँ पे भी वेब कोर्सेज के लिए क्या है फ्री एंट्री है हर तरीके की एडवांस्ड एजुकेशन को यहां पे कवर किया जाता है प्लस हाई स्कूल और स्किल्स सेक्टर कोर्सेज आपको स्वयं प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट जुलाई ऑफ जुलाई 2017 किसने किया था बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया था ऑन नाइन्थ ऑफ जुलाई 2017 दिस प्लेटफॉर्म इज़ टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दैट कैन बी असेज बाई एनी वन एनी टाइम एंड एनी वे आर यूजिंग द आई टी सिस्टम यह प्लेटफॉर्म क्या है बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है जो कोई भी कभी भी किसी टाइम असेस कर सकता है बस उसके बाद क्या होना चाहिए छोटा सा आई टी सिस्टम होना चाहिए इट वॉज नोस टू अचीव द थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन दैट इज़ असेस इक्विटी एंड क्वालिटी ये लॉन्च हुआ था ताकि जो भी अपने थ्री प्रिंसिपल्स हैं एजुकेशन के दैट इज़ असेस इक्विटी एंड क्वालिटी उसको हम क्या कर सकें अचीव कर सकें द प्लेटफॉर्म ऑफर फ्री असेस टू एवरी वन एंड होस्ट कोर्सेज फ्राम क्लास नाइन्थ टिल पोस्ट ग्रेजुएशन ये क्या है प्लेटफॉर्म है जो हर किसी को मतलब फ्री प्रोवाइड करता है अपने कोर्सेज और कौन कौन से कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे क्लास नाइन टिल पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास नाइन से शुरू होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के हर तरीके के कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं आर इन फोर क्वार्टरेंट्स जो कोर्सेज स्वयं पे होस्ट होते हैं वो आपको फोर क्वाड्रेंट्स में देखने को मिलेंगे सबसे पहले है वीडियो ट्यूटोरियल्स कवरिंग होल कोर्स वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको हर तरीके के कोर्स के क्या मिलेंगे छोटे छोटे वीडियोज मिलेंगे नॉर्मली ऑफ क्या होते हैं ट्वेंटी आवर्स ईच लेक्चर नोट एक्सीडिंग थर्टी मिनट्स जो भी आपका होल कोर्स है वो बीस आर्स में ऑलमोस्ट क्या हो जाता है नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है और जो हर लेक्चर होता है आपको वो तीस मिनट से ज़्यादा का नहीं होता ठीक है नहीं होना चाहिए तीस मिनट का ही एक लेक्चर होना चाहिए और नॉर्मली ट्वेंटी आर्स में वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट है हमारा ई e कंटेंट एडिंग टू द लर्निंग इम्पार्टेड थ्रू द वीडियो ट्यूटोरियस जो भी आपको कंटेंट है वो इलेक्ट्रॉनिकली वो वहीं आपको क्या हो जाता है अवेलेबल हो जाता है उसको आप आराम से अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर पढ़ सकते हो सेल्फ असेसमेंट क्विज़ेस असाइनमेंट्स दैट इंटर्स पर्स द कोर्स आपको क्या है इन कोर्सेज पे कुछ सेल्फ असेसमेंट भी करने की ज़रूरत होती है यहाँ पे बहुत तरह की क्विजेज़ या असाइनमेंट्स अवेलेबल होते हैं आप उन क्विजेज को भी दे दे सकते हो उन असाइनमेंट्स को भी कंप्लीट कर सकते हो ताकि आप इजिली उस कोर्स को बहुत अच्छे से कवर कर पाओ डिस्कशन फोरम फॉर पोस्टिंग क्वेरीज अगर आपको कोई भी वहाँ पे क्वेरी आती है ठीक है कोई भी आपको किसी भी टीचर से कुछ अपने डाउट्स क्लियर करने हैं तो वहाँ पे डिस्कशन फोरम आपको अलग से मिल जाएंगे जहाँ पे आप इजीली अपनी क्वेरीज क्या है वहाँ पे पूछ सकते हो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे स्वयं के फीचर्स क्या क्या हैं uh, फ़र्स्ट हाई क्वालिटी लर्निंग एक्सपीरियंस यूजिंग मल्टी मीडिया ऑन एनी टाइम एनी वेयर बेसिस ठीक है आपको बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है आपको बस क्या करना है मल्टी मीडिया को यूज मतलब ऑनलाइन आपके पास में कोई कंप्यूटर होना चाहिए जिससे आप ये कोर्सेज देख पाओ आप कभी भी देख सकते हो और कहीं भी किसी भी लोकेशन में इन कोर्सेज को देख सकते हो ठीक है वन स्टॉप वेब लोकेशन वन स्टॉप वेब लोकेशन फॉर इंट्रैक्टिव ई कंटेंट फॉर ऑल कोर्सेज फ्रॉम स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल एक ही वेब लोकेशन है ठीक है आपको वहाँ रुकना है हर तरीके का कंटेंट आपको मिल जाएगा हर कोर्सेज के लिए अप टू स्कूल लेवल टू यूनिवर्सिटी लेवल स्कूल आपको बताया था नाइन्थ से शुरू होता है और कहाँ तक जी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक आपको हर तरीके के कोर्स वहां पे मिल जाएंगे थर्ड स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम डेट अलाउस इजी असेस मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन क्या है ऐसा आर्ट सिस्टम बनाया गया है कि आप इजीली उसको असेस कर सकते हो मॉनिटर कर सकते हो और सर्टिफिकेशन भी आपका ईजिली वहां पर हो जाएगा पीयर ग्रुप इंट्रैक्शन एंड डिस्कशन फोरम टू क्लैरिफाई डाउट्स पीयर ग्रुप इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि पीयर ग्रुप का होता है कि पीपल मतलब जो आपकी सेम एज के जो पीपल होते हैं आप उनसे क्या कर सकते हो इंटरेक्ट कर सकते हो मान लो आप कोई भी पर्टिकुलर टेंथ क्लास का कोर्स ले रहे हो तो आपके वहाँ पे टेंथ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ईजिली मिल जाएंगे आप उससे अपनी कोई भी क्वेरी इवन कुछ भी पार्ट अगर डिस्कस करना हो कोई भी लेक्चर डिस्कस करना हो तो आप उससे कर सकते हो और आपको डिस्कशन फोरम भी वहाँ पर क्या हो जाएंगे अवेलेबल हो जाएंगे हाइब्रिड मॉडल दैट एड्स टू द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम टीचर ठीक है हाइब्रिड मॉडल क्या होता है हाइब्रिड uh, मॉडल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट टू मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन मॉडल्स मतलब एक तरह से कि दो कोर्सेज को जब हम एक बना देते हैं उसको क्या कह कहते हैं हम हाइब्रिड मॉडल बनाते हैं मतलब आपके पास में एक दो कोर्सेज है जब हमने कंबाइंड करके उसको एक ही पर्टिकुलर कोर्स बना दिया वही क्या कहलाता है हमारा हाइब्रिड मॉडल बनाता है तो उससे क्या होगा हमारी क्लासरूम टीचर की क्वालिटी अच्छी होगी और वो क्या होगी हमारी इफेक्टिव तरीके से निकल कर आएगी अब हम बात करते हैं हमारे नाइन नेशनल कोऑर्डिनेटर्स नाइन नेशनल कोऑर्डिनेटर्स क्या हैं जो इनको कोऑर्डिनेट करते हैं अलग अलग लेवल पे ठीक है सबसे फर्स्ट है हमारा ए आई सी टी ई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का काम क्या है सेल्फ बेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमें इंटरनेशनल कोर्सेज को प्रोवाइड करवाते हैं हमारे स्वयं प्लेटफॉर्म पे नेक्स्ट एन पी टी ई एल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग ये हमें पूरे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं किसके इंजीनियरिंग के इसके प्लीज़ फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना इसके फुल फॉर्म्स भी बहुत बार जाती है नेक्स्ट यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो हमें आ, पोस्ट ग्रेजुएशन की एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं सी ई सी कंसोटियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन ये हमें अंडर ग्रेजुएशन uh, की एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं एन सी आर टी नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ये हो गया हमारा स्कूल एजुकेशन का पार्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं एन आई ओ एस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग दैट इज़ स्कूल एजुकेशन ओपन स्कूलिंग का मतलब क्या है कि आप घर बैठे बैठे क्या करते हो पढ़ाई करते हो आपको सिर्फ वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए जाना जा, जा, जाना होता है तो यही क्या करवाते हैं ओपन स्कूलिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे आप अपनी स्कूल एजुकेशन अप टू तो ट्वेल्थ लेवल क्या कर सकते हो इसके थ्रू कंप्लीट कर सकते हो नेक्स्ट बात करते हैं हम इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स घर बैठे बैठे अपनी आ, कोई भी आ, जो कोर्सेज हैं उसको कंप्लीट करना इवन इसके एग्जाम्स भी आपके घर बैठे बैठे हो सकते हैं आईआईएमबी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर जो आपको मैनेजमेंट स्टडीज़ के कोर्सेज क्या करते हैं प्रोवाइड करवाते हैं एन आई ट्रिपल टी आर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च साथ में हमें क्या है टीचर्स की ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ती है कि मान लो कोई भी कोर्स अपडेट हुआ है तो रेगुलर टीचर्स को भी क्या दी जाती है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हर अपनी नॉलेज के लिए क्या रहें अपडेट रहें स्टूडेंट लुकिंग फॉर सर्टिफिकेट शेल बी रजिस्टर्ड एंड बी ऑफर्ड अ सर्टिफिकेट ऑन कम सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ द कोर्स विद अ लिटल फी स्टूडेंट ने जो भी हमें रजिस्टर uh, किया है उनको कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में क्या है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है उसके लिए छोटी सी फीस देनी पड़ती है जो आपका ई e सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड होगा स्वयं प्लेटफॉर्म इज इन uh, इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाई एम एच आर डी एंड ए आई सी टी ई विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड वुड बी अल्टीमेटली कैपेबल ऑफ होस्टिंग टू थाउजेंड कोर्सिस एंड एटी थाउजेंड आर्स ऑफ टीचिंग स्वयं प्लेटफॉर्म क्या है डेवलप किया था हमारे एम एच आर डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड ए आई सी टी ई ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से और कैपेबल है वो किसके लिए 2000 हजार कोर्सेज को एक साथ होस्ट करने के लिए और वहाँ पे कॉन्टीन्यूस कितना है 80,000 थाउजेंड आवर्स क्या है लर्निंग का चलता है कवरिंग स्कूल स्कूल को कवर करता है अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग लो एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज हर तरीके के प्रोफेशनल कोर्सेज आपको वहाँ मिल जाएंगे जो स्कूल अगर आपको करना है तो नाइन्थ टू ट्वेल्थ ईजिली अवेलेबल है अंडर ग्रेजुएशन हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग लो हर तरह के कोर्सेज आप स्वयं प्लेटफॉर्म से कर सकते हो बहुत ही अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आप घर बैठे बैठे किसी भी तरीके के कोर्स को कवर कर सकते हो उसके बाद में उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आपको ई e सर्टिफिकेट कोई भी सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाता है आपको बस थोड़ी सी फीस उसके लिए देनी पड़ती है तो ये क्या था हमारा स्वयं ठीक है आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्वयं क्या है आ, कब लॉन्च हुआ था नाइन्थ ऑफ जुलाई किसने किया था बाई ऑनरेबल प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी कोर्सेज है अपनी क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी असेस कर सकता है एनी वेयर एंड एनी टाइम एंड एनी वेयर यूजिंग द आई टी सिस्टम ठीक है फ्री असेस है और कोर्सेज क्या हैं क्लास नाइन्थ और पोस्ट uh, ग्रेजुएशन तक आपको हर तरीके के कोर्स यहाँ पे मिल जाएंगे तो ये था हमारा स्वयं आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा की स्वयं प्लेटफॉर्म क्या है आई uh, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज ऐसे ही आगे वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें थैंक यू